साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और ढेर सारे साथियों ने हमें बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, काफी लोगों का फोन भी आया हुआ है। आपसे विनती है हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिसमें आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको जल्द से जल्द हो पाएगी। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था कल, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करें, इसके लिए खेत तालाब कैसे बनाएं, मेढ़े कैसे बनाएं खेत में, तो ढेर सारे साथियों ने उसे खूब सराहा है, पसंद किया है और मुझे कॉल भी किए हैं, कुछ प्रश्न जानना चाहे, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उन प्रश्नों के विषय में जानकारी दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, स्किप मत करिएगा, अन्यथा कोई जरूरी जानकारी छूट सकती है। सबसे पहले काफी सारे दोस्तों ने मुझे प्रश्न किया है कि खेत तालाब बनाना उन एरियों के लिए तो बहुत अच्छा है जहां पे सींच के साधन नहीं है, जहां पे वर्षा आधारित खेती होती है, लेकिन जहां पे नहर है क्या वहां भी आवश्यक है नहर एरियों में बनाना खेत तालाब? बिल्कुल साथियों, खेत तालाब हमें हर एरिया में बनाना चाहिए, चाहे वो वर्षा आधारित खेत हो, हमारे खेती हो रही हो वहां पे, वहां तो कोई साधन भी नहीं है पानी का हमारे पास, केवल भूगर्भ जो का जल है, जमीन की निचली सतहों में जो जल है केवल वही एक साधन है जिसका अंधाधुंध दोहन हो रहा है और उसकी पूर्ति हम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए तो मोस्टली ऐसी जगहों में बोर का सहारा या ट्यूबवेल्स का सहारा लोग लेते हैं और वहां से जमीन की निचली सतहों का खूब खूब पानी निकालते हैं, अंधाधुंध दोहन करते हैं, उस पानी का कोई हिसाब किताब रखने वाला नहीं है, जब तक लाइट है तब तक वो बटन दाब दिया और वो पानी बेकार व्यर्थ बहता रहता है, भले ही खेत को उसकी आवश्यकता हो या ना हो। तो हमें इसका ध्यान रखना है, हमें पानी बचाने के साथ साथ उसका उपयोग भी सीमित करना है, उसका उपयोग इस तरीके से करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके उसका। और यदि उन एरियो में तालाब नहीं है तो हम वहां तालाब बनाएं, मेड़बंदी करें जहां पे हम वर्षा जल इकट्ठा करें, संचय करें और उस वर्षा जल को हम अपनी खेती में लाभ ले सकें। मैं बात करूंगा आपकी, जैसे जो हमारे किसान साथियों ने सवाल किया है कि क्या ऐसे एरियों में भी जहां नहर से पानी सिंचाई मिल जाती है वहां पे तालाब बनाना आवश्यक है? जी बिल्कुल, वहां भी तालाब बनाना आवश्यक है। यदि आप ऐसे एरियों में तालाब बनाते हैं तो आप मेरे साथ सहमत होंगे, जितने भी हमारे साथी हैं जो नहर वाले एरिया में हैं, कि जब नहर में पानी तो खूब बहता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें जब पानी की आवश्यकता होती है तब वो नहर में पानी नहीं होता है, यानी कि जहां से नहर शुरू हो रही होती है वहां से उन किसान साथियों ने नहर का पानी अपनी ओर ले रखा होता है और जो लास्ट वाले साथी होते हैं उनका पानी नहीं मिल पाता उनको। तो ऐसे एरियों में भी हम तालाब बनाएं अपने कैचमेंट एरिया का 5 से 10%, और जब पर्याप्त मात्रा में नहर में पानी बह रहा हो तो हम अपने खेतों में वो पानी स्टोर कर लें, और जब नहर में पानी ना हो तो उसको हम अपने खेतों में भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह आया था कि क्या इसके लिए कोई सब्सिडी केंद्र या राज्य सरकारों की है? तो बिल्कुल, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कृषि विभाग की जो भूमि संरक्षण इकाई होती है राष्ट्रीय जलागम, वहां पे आप जाएंगे, मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के प्रवेश में, लेकिन हमारे यहाँ बगल में मध्य प्रदेश है और भी अन्य स्टेट है, तो उनमें भी लगभग यही योजना थोड़ा सा फेरबदल के साथ लागू की जा रही है। मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से यहाँ पे दो तरह के तालाब, एक लघु तालाब और एक मध्यम तालाब, जिसमें हम देखें यदि लघु तालाब जो है वो 20x22x3 मीटर और जो मध्यम तालाब है वो 30x35x3 मीटर गहरा खोदने के लिए लगभग 50% अनुदान, एक मोटा मोटा यदि हम देखें तो लघु तालाब को खोदने के लिए 52,500 और मध्यम तालाब को खोदने के लिए 1,14,200 रुपए का अनुदान दिया जाता है। अभी अनुदान आपको मिलेगा कैसे? इस अनुदान के लिए आपको upagriculture.in पे जाकर के लॉगिन करना है और वहां पे जाकर के खेत तालाब के लिए टोकन जनरेट करें, एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन पे जाके आपको अंदर कुछ जानकारियां मांगी जाती हैं, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहे जाते हैं, वहां पे क्लिक करें आप और जाकर के आप वहां अपना किसान पंजीयन, अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, खेत की आपकी खतौनी, ये आपको अपलोड करनी है। इसके बाद आपको एक ओटीपी आएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और उस ओटीपी को आप जो सबमिट करेंगे तो आपको एक बुकिंग का, तालाब की बुकिंग का टोकन जारी हो जाता है। तो इस टोकन को आपको प्राप्त करके बैंक में जाना है और यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे किसान आवेदन कर देते हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि लक्ष्य समाप्त हो जाते हैं और जो वास्तविक तौर पर तालाब खुदाना चाहते हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने निर्धारित किया है कि लघु तालाब पे 1,000 रुपए,
मध्यम तलाक खुदाई पे 2000 रुपए आपको टूकन राशि जमा करनी होगी। इस राशि को आप बैंक में ले जाके चालान के माध्यम से जमा करते हैं और एक बार जमा करने के बाद निर्धारित तारीख निर्धारित दिनांक सरकार देती है कि इस दिनांक के अंदर अंदर जो लोग तालाब खुदाना चाहते हैं वो बाकी शेष डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। तो आपको क्या करना है, पुनः आपको जाना है उसी साइट पे और जाकर के अपना बाकी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, इसके अलावा आपको अपनी फोटो जो आप जिस साइट पे तालाब खोदना चाहते हैं वहां की जियो लोकेशन की फोटो, आपका एक तहसील से एक सहमत एफिडेविट बनवाना होता है जिसमें आप मेंशन करते हैं बेसिक चीजें, और साथ में आपको खेत के बेसिक डॉक्यूमेंट पुनः एक बारी अपलोड कराना होता है। और इसके पश्चात जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, खसरा खतौनी, आपने आपका एफिडेविट, आपकी फोटो और अन्य डॉक्यूमेंट्स, ये सारों की फाइल बना करके आपको कृषि विभाग के भूमि संरक्षण कार्यालय में जाकर के ये फाइल जमा कर देनी है। वहां से जो इनके इंस्पेक्टर हैं भूमि संरक्षण विभाग के, वो आपकी फील्ड पे आकर के भौतिक सत्यापन करते हैं और यदि सब कुछ सही पाया जाता है, निर्धारित मानकों के अनुसार होता है, तो आपको इस तालाब की खुदाई के लिए जो मैंने आपसे सब्सिडी बताई है लघु तालाब के लिए और मध्यम तालाब के लिए, वो सब्सिडी की राशि आपके लिए जारी करते हैं और वो 3 किस्तों में राशि आती है। जो सब्सिडी है उसकी कुल 50% राशि पहली किस्त में तालाब खुदाई के लिए, इसके बाद उसका 25% जो है राशि आपको तालाब की दरासी और बंड बनाने के लिए, और अंतिम जो 25% राशि होती है वो आपको रैंप बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस सरकार की योजना का लाभ लेकर के आप तालाब खुदवा सकते हैं। और मैंने भी ये तालाब खुदवाया हुआ, और मैं आपको जानकारी दे दूं, ये बहुत ही शॉकिंग और रोमांचक बात है कि जो सब्सिडी भारत सरकार जारी करती है उस सब्सिडी राशि में ही तालाब खुद जाता है, यानी कि तालाब का निर्माण हो जाता है, बस आपको रैंप बनाने के लिए और इसके साथ साथ थोड़ा सा दरासी मैनेज करने के लिए विधवा थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है। हमने लगभग 25,000 से 30,000 रुपए अपने ओर से लगाया और बेहतरीन रैंप तैयार हो गया। मैं आपसे बताना चाहूंगा, रैंप भी आप मजबूत तैयार करें, चौड़ा रैंप बनावें। मैंने अक्सर देखा है कि लोग खेतों में तालाब बनाते हैं और रैंप के नाम पे बहुत छोटा सा एक इनलेट बना देते हैं और बताते हैं ये रैंप है। इनलेट भी होना चाहिए जिससे पानी आएगा, और आउटलेट भी एक बनाना चाहिए तालाब में जिससे ओवरफ्लो का पानी बाहर निकलेगा, आपका तालाब का बंद टूटेगा नहीं। इसके साथ ही मैं बात करूंगा, रैंप चौड़ा और मजबूत बनाएं। क्यों? क्योंकि 3 से 4 वर्षों में जो तालाब होता है वो खेत की मिट्टी बह करके जाती है और तालाब में वो जम जाती है, तो लगभग 1 से 2 फीट मिट्टी वो हो जाती है। तो हर 3 से 4 साल के बाद यदि आप तालाब को एक बार उगलीकरण करा देंगे, रैंप चौड़ा इसलिए बनाना है कि ट्रैक्टर नीचे जा सके मिट्टी को लाने के लिए, जेसीबी जा सके मिट्टी का उगलीकरण करने के लिए, तो आप देखेंगे कि आपका तालाब बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा और पानी को संचय करता रहेगा। और आपसे निवेदन है कि इस महायज्ञ में हम सभी साथ आएं, पानी का संचय करें, पानी का सीमित उपयोग करें जिससे आने वाले भविष्य के जल संकट को टाला जा सके, क्योंकि पानी को बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।